हेलो गाइस, वेलकम टू फिनोमिनल। और गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग एबिलिटी की क्वेश्चन सीरीज में ऑड वन आउट। तो गाइस, क्या होता है रीजनिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इससे क्या होता है, रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और ये गाइस तीन टाइप से पूछी जाती है। गाइस, तीन टाइप से पूछा जाता है ये ऑड वन आउट। एक तो वर्ड फॉर्म में पूछा जाता है, और एक नंबर फॉर्म में पूछा जाता है, और एक लेटर्स फॉर्म में पूछा जाता है। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड फॉर्म में, कि जैसे एक अमेरिका है, इस तरह से वर्ड फॉर्म में हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये नंबर फॉर्म में, और ये नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब करने पर एक बेल आइकन शो होता है, उसे भी दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है गाइस। पहला क्वेश्चन है, एक फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है गैलॉन, और दूसरा ऑप्शन है टन, और तीसरा ऑप्शन है क्विंटल, और चौथा ऑप्शन है किलोग्राम। तो गाइस, हमें इसमें से तीन एक तरह से होंगे, तीन एक एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होंगे, और एक चौथा होगा वो अलग प्रॉपर्टी को फॉलो करता होगा। तो हमें जो अलग प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है उसे ढूंढना होता है इस ऑड वन ऑड में। तो हमें अब इसमें क्या दे रखा है कि गैलॉन दे रखा है, टन दे रखा है, क्विंटल दे रखा है, तो किलोग्राम दे रखा है। तो गाइस, इसमें हमारा आंसर क्या होगा, गैलॉन। क्योंकि क्या होता है, जो टन है और क्विंटल है और ये किलोग्राम है, ये मास को मेजर करते हैं, मास की मेजर यूनिटी है, यूनिट है। और जो गैलॉन है, ये वॉल्यूम मेजर, वॉल्यूम वॉल्यूम की यूनिट है। तो गाइस, गैलॉन इनसे डिफरेंट है, इन तीन से डिफरेंट है गैलॉन। किस वजह से, क्योंकि ये वॉल्यूम की यूनिट है, और ये जो है टन, क्विंटल, किलोग्राम, ये मास मेजर यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, कि पहला ऑप्शन है ब्लाइंड है, डीफ है, डम्ब है, इडियट है। तो गाइस, क्या होता है, जो जो अदर ये ऊपर वाली तीन है, फर्स्ट है ब्लाइंड, डेफ एंड डम्ब, ये बॉडी के पार्ट्स, कुछ पार्ट्स वर्क करना छोड़ देते हैं। जैसे आई है, अगर आई से दिखता नहीं है तो उसे ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो ब्लाइंड है। और डेफ, सुनता नहीं है बंदा, तो वो डफ और बोल नहीं पाता, तो ये डम्ब हो जाता है। तो गाइज, लेकिन इडियट पर्सन, वो इडियट एक क्वालिटी है कि मतलब पर्सन कुछ पागलपंती करता है तो उसे इडियट बोलते हैं। तो हमारा अलग इसमें चारों में से कौन सा हुआ, इडियट। तो हमारा आंसर क्या होगा गाइज, इडियट फोर्थ ऑप्शन होगा हमारा आंसर। क्योंकि ये तीन एक अलग प्रॉपर्टी है, बट ये तीनों से अलग प्रॉपर्टी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इडियट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, कि डिलज है, कैलामिटी है, एंड कैटास्ट्रोफी है, और बार है। गाइस, एक प्रकार से देखा जाए तो चारों ही मतलब संहार होता है इसमें, चारों में संहार मतलब हजार्डस। बट जो ऊपर वाली तीन हैं इसमें क्या हो, ये नेचुरल हजार्डस होते हैं, ये नेचुरल हजार्डस होते हैं। और ये गाइस वायर होती है, जो बार मतलब लड़ाई, ये मैन मेड होती है। तो ये तो ऊपर वाले तो नेचुरल हजार्डस है, और नीचे वाला जो वार है ये मैन मेड होती है। अगर लड़ाई होती दो बंदों में तो आपस में ही, तो ये नेचुरल तो नहीं हुई, मैन मेड हुई। तो इन तीनों से अलग क्या है, वार। तो हमारा आंसर क्या होगा गाइस, वार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सितार है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड वायलिन है, फ्लूट है, एंड वीणा है। तो गाइस, मैं आपको बताऊं, जो जो फ्लूट है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, फ्लूट। क्योंकि जो सितार है और वायलिन है और वीणा है, ये स्ट्रिंज इसमें यूज होती है, स्ट्रेच स्ट्रिंज यूज होती है। बट फ्लूट में ऐसा कुछ नहीं है, फ्लूट एक मुंह एक होठों से लगा के बजाई जाती है। और इसमें क्या होता है, सितार, वायलिन, वीणा में स्ट्रिंज यूज होती है, इस वजह से ये फ्लूट है, इन तीनों से अलग है। तो हमारा क्या आंसर होगा, फ्लूट।
हमें ऑड वन ऑड फाइंड करना होता है, चारों में से ऑड कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, फ्लूट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, टेंजेंट है, आर्क है, रेडियस है, तो डायगनल, ये तो सभी को पता चलता होगी गाइस, सबसे अलग हमारा क्या है, डायगनल है, क्योंकि जो टेंजेंट है, ये आर्क है, रेडियस है, ये सर्कल की प्रॉपर्टी है, सारी सर्कल से रिलेटेड है। तो हमारा डायगनल हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ, क्योंकि डायगनल इन तीनों से अलग है। और सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एरल डाइट है, जेल है, प्लास्टर है, बैक्स है, तो गैस ये जो तीन है ये जोड़ने के काम आते हैं, जोड़ने के काम आते हैं, किसी चीज़ को मतलब पास लाते हैं, जैसे जेल है तो ये बालों में लगाया जाता है जेल, तो ये किसी चीज़ को जोड़ने का काम है, प्लास्टर। बट बैक्स की प्रॉपर्टी इन तीनों से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, बैक्स, क्योंकि बैक्स इन तीनों से अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या है, पहला ऑप्शन है पेंसिलिन है, दूसरा एम्पीसिलिन है, और तीसरा स्ट्रिप्टोमाइसिन है, और चौथा है पैरासिटामोल। तो गाइस पहले ही पता चल रहा है कि मतलब ये तो सभी को पता चल गया होगा कि पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है, एम्पीसिलिन भी एक एंटीबायोटिक होता है, स्ट्रिप्टोमाइसिन भी एंटीबायोटिक है, तो गाइस ये तीन तो एंटीबायोटिक हैं, बट जो पैरासिटामोल है ये इनसे अलग है, बट नॉट नॉट अ एंटीबायोटिक। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइस, पैरासिटामोल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कार्बन है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, और गोल्ड। तो गाइस जो कार्बन ग्रेफाइट, ये तीनों प्रॉपर्टी कार्बन की ही है, कैटेनेस, क्योंकि कार्बन कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, कैटेनेशन बोले तो गैस एक से दो, दो से तीन, इस तरह की प्रॉपर्टी को कैटेनेशन बोलते हैं। तो बट गोल्ड है, एक गोल्ड तो मेटल होता है, तो गैस इन तीनों से अलग है गोल्ड, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया गैस, गोल्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अकबर है और जहांगीर है, शाहजहाँ है, इब्राहिम लोदी है, तो गैस ये तो सभी को मालूम होगा कि जो ये अकबर जहांगीर एक एम्पायर से बिलोंग करते हैं, एक ही एम्पायर से बिलोंग करते हैं, बट जो इब्राहिम लोदी है ये लोदी डायनेस्टी से बिलोंग करता है, लोदी डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया गाइस, इब्राहिम लोदी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओपरा है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, और बिंग है, तो गाइस जो ओपरा है ये एक ब्राउजर है, और फायरफॉक्स भी एक ब्राउजर है, और क्रोम भी एक ब्राउजर है, तो ये तो तीनों ब्राउजर हो गए गाइस, बट जो विंग है ये कोई ब्राउजर नहीं है, जिस तरह एक गूगल पेज आता है बन के, अगर आप google.com डालेंगे, गूगल पेज बन के आता है, उसी तरीके विंग पेज बन के आता है, ये सर्च होते हैं गाइस, सर्चर होते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया गाइस, बिंग, क्योंकि ये बिंग तीनों से अलग है, ऊपर वाले तीनों ब्राउजर हैं और नीचे वाला एक सर्चर है, तो गाइस हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन है एक्यूट, सेकंड ऑप्शन है ऑब्ट्यूज, एंड थर्ड ऑप्शन है राइट, तो और डी ऑप्शन है पैरेलल। तो गाइस जो एक्यूट है और ऑब्ट्यूज है, राइट है, ये किसी एंगल को शो करते हैं, एंगल को शो करते हैं, और एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल या राइट एंगल, तो गैस बट जो पैरलर है ये लाइन को शो करता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया गैस, पैरलर, क्योंकि जो तीन है वो एंगल को शो करते हैं, कहते हैं एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये एंगल की प्रॉपर्टी है तीनों, बट जो पैरलर वो लाइन्स को शो करता है, पैरलर लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्लोरोफिल है गैस, बी ए ग्लूकोज, नाइट्रोजन एंड फोटोसिंथेसिस, तो गैस जो फोटोसिंथेसिस हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट, फोटोसिंथेसिस, बिकॉज फोटोसिंथेसिस की केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस है, ड्यू टू सनलाइट होती है ये,
इसमें क्या प्लांट्स फूड बनाते हैं अपना, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइस, फोटोसिंथेसिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक पहला ऑप्शन है गाइस हमाम, और सेकंड ऑप्शन है सिंथॉल, और थर्ड ऑप्शन है गाइस पियर्स, और हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो रिन। तो गाइस ये तो सभी को मालूम चल रहा होगा, अगर आपने देखा होगा ये सारे सोप्स हैं, बाथरूम सोप्स हैं, टॉयलेट टू बाथरूम सोप्स। तो ये दो, ये तीनों साबुन है गाइस, और जो रिन है एक डिटर्जेंट है ये। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइस, रिन। एंड 14th क्वेश्चन देखते हैं गाइस। फर्स्ट ऑप्शन है रिम, सेकंड ऑप्शन है नोकिया, थर्ड ऑप्शन है MTS एंड फोर्थ ऑप्शन है BSNL। तो गाइस रिम का होता है रिलायंस इंडिया मोबाइल, और नोकिया गाइस एक मैनू नोकिया एक कंपनी है जो मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है। और जो MTS है ये भी टेलीकॉम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, BSNL भी टेलीकॉम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। तो गाइस रिम और MTS और BSNL ये तीनों तो टेलीकॉम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर हैं, और जो नोकिया है ये तीनों से अलग है क्योंकि ये सिर्फ मोबाइल बनाती है, कोई टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं कराती। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइस, नोकिया। और 15th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। स्विंग है, गुगली है, योर्कर है एंड बाउंसर है। तो गाइस जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा गुगली, क्योंकि जो स्विंग है और योर्कर है ये फास्ट गुगली को छोड़कर, और जो तीनों हैं एक्सेप्ट गुगली, और ये तीनों है ये फास्ट बॉलर से रिलेटेड है, फास्ट बॉलर से रिलेटेड है, बट गुगली एक स्पिन बॉलर से रिलेटेड है। तो गाइस आई होप समझ आया होगा कि मतलब इसमें हमारा जो डिफरेंट है वो गुगली है। तो ऑड वन क्या है गाइस, गुगली। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, गुगली। और गाइस ये थे 15 क्वेश्चन, ये वर्ड्स वर्ड्स पे रिलेटेड थे, और मैं जो नेक्स्ट बनाऊंगा वो नंबर या लेटर पे डिपेंड होगा, ऑड वन आउट। तो गाइस आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep studying, keep enjoying.